नमस्कार, राम राम सभी पशुपालक मित्रों को। आज हम पहुंचे गुराणा गांव में, डिस्ट्रिक्ट हिसार में, और आपको आपको एक सूर्या की एक और कटड़ी दिखाएंगे। सूर्या तालु जो अपने सुल्तानपुर बल्ड लाइन का है, जो पछला जो पीछे थन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बच्चन मुंह लगा दिया था। बाकी आप जोटी देख सकते हो, लंबाई ऊंचाई सींग की वही क्वालिटी जो और कटड़ियों में आती है। मेरे से 5 फुट 3 या 4 इंच हाइट होगी इसकी भी, और भाई से बात करेंगे। कृष्ण भाई एक बार आने आगे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। राम राम भाई साहब। राम राम। अच्छा, कृष्ण भाई हैं गुराणा गांव से। और कृष्ण भाई एक बार अपना नाम और मोबाइल नंबर बता दो। नाम कृष्ण कुमार। हाँ जी। गाँव गुराणा। मोबाइल नंबर 98120-37044। अच्छा, भाई का नंबर और बताए साथ। भाई का 88140-20715 संदीप। और संदीप भाई की ये जोटी है, और कृष्ण भाई हैं, ये शौकीन भाई हैं, और संदीप भाई ने तैयार की है जोटी। तो भाई साहब, माँ और बेटी में कितना के फर्क लग गया जो अपना? माँ और बेटी में बहुत ज्यादा है। इसकी माँ तो इसकी हाइट भी नीची है, थन भी बड़े है, लोटी भी इसकी बढ़िया है। अच्छा, लोटी भी बड़ी है इसकी। हाँ। थना गैप भी होगा? थना गैप भी उससे ज्यादा है। अच्छा, हाइट लेंथ सिंग वगैरह सब कुछ उससे ज्यादा है। अच्छा, रेट ना इसका सिंग बनवाया है। अच्छा, रेट का कितना फर्क पड़ गया होगा भाई? 300-400 रुपया जो सिमल लगा के, कितना रेट का फर्क पड़ गया होगा? रेट का तो बहुत ज्यादा पड़ गया। अच्छा, माँ से तो तिगने रेट की होगी होगी ये? 3-4 गुना। 3-4 गुना। अच्छा, माँ भी इसकी 15-16 किलो दूध की। अच्छा कृष्ण भाई, आपने तो सूर्या की और भी कटड़ी देखी है, ये डाटा भी देखी है, और भी देखी है, के लगे आपने सूर्या का जो रिजल्ट वगैरह? जितने भी और बुल है नहीं, उनसे अच्छा रिजल्ट आया। बच्चे मतलब माँ ने छोड़ के बाप पाए रहे हैं। खुद पाओ सूर्या के जो बच्चे माँ का ज्यादा बहुत अच्छी है, लंबाई ऊंचाई तो बहुत भी अच्छी। अच्छा, ये जो टिकी भाई 5-3-4 की इसकी भी होगी? जरूर है। 5-3 फुट अपने और पशु बहुत ऊंची है, लेकिन यहाँ 2 इंच ऊंची है। 2 इंच ऊंची है पशु अपने, यहाँ सारे ऊंचे हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ और भी ऊंची। अच्छा, तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, बरवाड़ा में जो सिमन दे रहे हैं डॉक्टर साहब, उनका नंबर भी मैं साथ में डाल दूंगा। तो एक बार जोटी फिर दिखा दे। पूंछ भी नाम मात्र सफेद है, जो और जोटियां काटती है थोड़ी सफेद थोड़ी। एक बार थोड़ी चलाई दिखा दो। ना ना, छोटी है ना, घुमा ले, घुमा के ले, घुमा के घुमा ले, उल्टी है संदीप को माला। अच्छा अच्छा, तो भाई और भी पशु जो है ना, खूब अच्छे पशु रखे हुए हैं। डांट लेकर संदीप रोक ले। तो वही एक बार फिर देख लो जोटी अपने सूर्या तालो की प्रोजनी गुराणा गांव में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और पीठ की मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक ही क्वालिटी आती है पीठ की, फेस की, सींग की, सबका यही सींग। हेलो, धन्यवाद सभी मित्रों को। एक बार फार्म की और भी वीडियो दिखाएंगे आपको भाई के। हाँ, तो ये भाई के और पशु हैं। तो भाई का खेतों में मकान है, आसपास के अपना दिखा दें, जीरी का एरिया है, बहुत बढ़िया खेती होती है एरिया में पूरी। तो कृष्ण भाई और क्या कहना चाहोगे अपने? और भी बच्चे आए ना अपने फार्म, एक राजाई कटड़ी और थी ना अपने पास, वो अंदर है, एक बार दिखाइयो, वो भी निकाल के ले लियो। और पशु तो भाई बहुत ही शौकीन है, ये मोडी है, तो पशु सारे अच्छे रखे हुए हैं भाई ने। तो संदीप भाई, जो माँ मैं इसकी जो बेटी थी, माँ का खर्चे कितना रुपये लगे थे? उसका शुरुआत में लगे थे 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपये? फिर इसने कई रुपये मान रहे हो? 4-4.5 लाख की। अच्छा अच्छा, चलो ये एक कटड़ी और आ गई, बस रोक ले। ये अपने राजा की कटड़ी है, राजा तालु जो लांडी भैंस का मोहतुस का बेटा है। इसके भी थोड़ा कलर फिक्का रहा, थोड़ी माँ का कलर फिक्का, पहले भी एक वीडियो डाली थी उसमें दिखा।
इसकी कितनी उम्र होगी कृष्ण? एक साल एक महीना। पूंछ वगैरह बिल्कुल जड ब्लैक आ रही है। देखो फेस देखो राजा कटड़ी का, पीठ देख सकते हो। अच्छा नीचे की ओर दिखा दें आपने, ये देखो जी, ये देखो जी नीचे की कटड़ी बहुत बढ़िया। अच्छा ये कटड़ा हो रहा है, अच्छा बीमार हो गया था लेकिन नीचा बहुत अच्छा है। एक बार फिर दिखाइए भैया गन कटी है। इसके 18 किलो है। अच्छा ये बाखड़ी हो रही है 18 किलो दूध की, ये भी है और ये 22 किलो है, उसका 16 किलो है। चलाइए इसी मोसी है, चलाइए थोड़ी। अच्छा इससे लाइन की है। हां इससे लाइन। एक बार फिर आपने लेफ्टी दिखा दीजिए छोटी की, मतलब सब किलोटियों का जो शेप आता है वो यहीं आता है। ताज़ा ब्याई है, कई दिन की ब्याई होगी भाई? तीसरा दिन आज है तो तीसरे दिन की ब्याई है। अच्छा खाली करिए, खाली टाइम पे कितना दूध दिया इसने? 5-6 किलो। चलो तो 10-11 किलो दूध अभी भी इसका तैयार है, 11 हो 10 हो 12 हो इतना दूध इसका भी तैयार है। तो कृष्ण भाई क्या असर रखा जोटी पे? जोटी पे तो 16-17 किलो, 16-17 किलो दूध दे देगा। हाँ नॉर्मल चराई हुआ। अच्छा, नहीं इसकी माँ का जो तीसरा चौथा ब्याह थी उतना दूध दे देगी? हाँ उतना खरकम दे देगी, खरकम दे देगी। अच्छा लगभग जहाँ भी हम गए हैं सूर्या के सरताजी कटड़ी आई है, खासकर सूर्या की मानो, मतलब माँ का जो दूध है ना वो पहले ब्याह में निकाल दे हवा। हाँ पहले ब्याह में उससे क्रॉस कर दे। हाँ क्रॉस कर दे। और भी देखी होंगी आपने दूध में? तो देखी नहीं, बाकी जो सुनना में आई है जो बच्चे देखे हैं। अच्छा जो शरीर में भी उनसे ऊपर सेम टू सेम ही आती है लगभग। चलो धन्यवाद सुमित्र। अच्छा सरिया सरिया बाकी लगाई कटे आए लेकिन। अच्छा चलो एक आध आ जाते हैं शुरुआत में, बाकी इतने और जहाँ पे मैंने रखवा है ना लगभग सब कहते हैं कटड़िया ज्यादा आती है। अपनी अपनी किस्मत, बस कोई किस्मत की बात होती है। और अपना राज्य की है कि हाँ तो आई इस पे भी अपना सूर्या सरताज यूज करियो, इस पे भी जोटी बहुत अच्छी बनेगी, हाइट वगैरह सब लंबाई बहुत है जोटी की इसकी। दूध नहीं पिया एक दिन भी? अच्छा बिना दूध पिए है। हाँ। जोटिया सिंग शैंग बहुत सोना बनेगा। अच्छा इसका भी सिंग बनवा नहीं अब तक है? बिना बनवाए सिंग है, मतलब अपना घिसाई करते हैं डूम पे, मतलब किसी डाला कोई वो नहीं है। आपको एक जो भी लाइव मिल्किंग की है उस कटड़ी का ही फेस दिखाया था, उसका भी लगभग ऐसा ही मिलता है बिल्कुल फेस। इसका भी पीठ वगैरह ना कोई छाती फालतू ना कोई सुंडी किसी तरह की, और जो करेक्टर जो प्योरिटी आती है बिल्कुल मुर्रा के जो करेक्टर आते हैं बिल्कुल। हेलो धन्यवाद सभी मित्रों को, नमस्कार। ये देखो जी माँ और बेटी, ये माँ और ये बेटी है, सूर्या तालु कटड़ी है।